बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम सीखेंगे कांटों को बनाना, पक्का कांटों जिसे हम कहते हैं। जो हम दो तरीके के बनाते हैं, एक कच्चा होता है और एक पक्का होता है। तो आज हम पक्का कांटों बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। कांटों बनाने के लिए हम कपड़े में से चार धागे निकालेंगे, या फिर टप्पा भी होता है कांटों का, वो लगाएंगे तो इस तरह धागा निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। और अभी मैं ये कांटों जो बना रही हूँ सिखाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा मोटा मोटा मैं धागा निकालूँगी और बनाऊँगी, ताकि अच्छी तरीके से समझ आए। क्योंकि ये पक्का कांटों का होता है, ये इसे थोड़ा समझना मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा करके बनाऊँगी ताकि अच्छी तरीके से समझ आए। तो इस तरीके से दो धागे मैंने निकाल लिए और एक इसके ऊपर निकालेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमारे ये तीन धागे निकल आए। सबसे पहले ये नीचे वाले लाइन पे मैं अपना धागा निकालूंगी। इसके बाद इस तरीके से ये दूसरे वाला जो धागा होता है, इसके बीच में से मैं ये एक टांका लगाऊंगी इस तरीके से। फिर इसके बाद ये जो ऊपर वाला होगा, तो इसके ऊपर मैं इस तरीके से एक टांका लगाऊंगी। और फिर ये जो दरमियान वाला होगा, फिर इसके ऊपर इस तरीके से। इसके बाद ये जो टांका लगा हुआ होता है, हम सुई को इसके नीचे से निकाल लेंगे और फिर इस तरीके से एक धागा निकालेंगे। अभी मैं सिखाने के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा बड़ा बना लिया। जब हम अपने कपड़े पे जब हम सीखेंगे तो बड़ा बड़ा बना के सीखेंगे, और इसके बाद जब आप अपने कपड़े पे बनाएंगे तो ना छोटे छोटे जो नाजुक होते हैं वो वाले बनाएंगे। तो सीखने के लिए हमने थोड़ा पढ़ा लिया है ताकि अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो इसके बाद इतना सा गैप लेके यहाँ पे दोबारा एक टांका लगाएंगे, और फिर ऊपर वाला जो लाइन होगा इसके ऊपर इसी तरीके से, और फिर ये वाला इस तरीके से, और फिर इसके नीचे से निकाल लेंगे। और ये जो हम यहाँ पे टांका लगाएंगे, तो ये देखिए, ये जो थ्रेड होगा ये इस तरफ होगा, और यहाँ से हम इस तरीके से धागा टांका लगाएंगे। इसके बाद ये जो दरमियान में हम टांका लगाएंगे, तो इसके बाद हम ये थ्रेड इस तरफ रखेंगे, ये देखें। और फिर ये ऊपर वाला लगाएंगे तो थ्रेड हमारा इस तरफ होगा, और जब ये वाला लगाएंगे तो हम अपने थ्रेड को इस साइड रखेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ नीचे से निकाल लेंगे, ये देखें। और फिर यहाँ पे जो टांका हम लगाएंगे, तो ये जो धागा होगा ये इस साइड होगा, ये देखें। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। ये जो हमारा कांटों होगा, ये चार दफ़ा राउंड लगाएगा, यानी कि इस तरफ जाएगा, फिर दोबारा आएगा, फिर जाएगा और फिर आएगा, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके नीचे से हम निकालेंगे, और यहाँ से इस तरीके से। अभी मैं आपको दूसरा लाइन बनाना सिखाऊंगी। ये पहला लाइन इसी तरीके से बनता जाएगा, पूरा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं स्टार्ट करूँगी दूसरा लाइन। तो यहाँ बीच में मैं इस तरीके से एक टांका लगाऊंगी, इसके बाद यहाँ पे एक टांका लगाऊंगी, फिर इसके बाद यहाँ हम नीचे सुई को निकालेंगे, और फिर धागे को इस तरीके से रखेंगे, सुई के सामने यहाँ से एक धागा लेंगे, ये देखें इस तरीके से। फिर इसके बाद हम धागे को इस साइड रख के, और यहाँ से इस तरीके से टांका लगाएंगे।
इसके बाद यहाँ जो टाँका लगा हुआ होता है इस थ्रेड के नीचे से फिर से हम निकाल लेंगे और अपने थ्रेड को इस साइड रख कर इस तरह से टाँका लगाएंगे, यानी कि थ्रेड को सुई के सामने ही रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ हम सुई के सामने थ्रेड को नहीं रखेंगे, पीछे की साइड रखेंगे। इसी तरीके से बनाते जाएंगे। जब हम नीचे टाँका लगा रहे होंगे तो हम अपने थ्रेड को सुई के सामने रखेंगे और ऊपर वाले जो टाँका होगा हमारा वो यहाँ पे थ्रेड को हम पीछे की साइड पे रख देंगे और फिर हम यहाँ से निकालेंगे इस तरीके से और धागे को सुई के सामने रख कर दोबारा से टाँका लगा लेंगे और यहाँ से नॉर्मल टाँका होगा हमारा और यहाँ से इस तरीके से और फिर इस तरीके से लगा लेंगे। अभी यहाँ से कंप्लीट हो गया हमारा दूसरा स्टेप। ये देखें, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना तीसरा राउंड, जो अभी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ से हम अपना तीसरा स्टेप स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो धागा होगा इसके अंदर हम अपना सुई निकालेंगे इस तरीके से और फिर यहाँ पे जो धागा होगा इसके अंदर से निकालेंगे और फिर यहाँ पे ये जो छोटा वाला धागा है यहाँ नीचे, तो हम इसके अंदर अपने सुई को निकालेंगे। अभी मैं ये जो टाँके लगा रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ थ्रेड के अंदर से निकाल रही हूँ, इसमें कपड़ा बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा। तो फिर इसके बाद यहाँ पे एक टाँका लगा हुआ होता है जो सिर्फ सिंगल थ्रेड है इस तरफ, तो इस सिंगल थ्रेड को हम ले लेंगे, एक थ्रेड इस तरफ होगा लेकिन ये हम सुई में नहीं डालेंगे, सिर्फ यहाँ से एक सिंगल थ्रेड ही हम सुई में डाल देंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे एक थ्रेड होगा तो ऐसे हम नीचे ही छोड़ देंगे और ये जो वाला थ्रेड होगा अब इसके अंदर से अपने सुई को निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे ये जो छोटा वाला होगा यहाँ से जो हमने लिया था अभी, ये बिल्कुल वही स्टेप है, दोबारा से अप्लाई होगा। इसके बाद यहाँ पे जो सिंगल थ्रेड होगा सिंगल थ्रेड में से हम निकालेंगे। अब दोबारा से इसी तरीके से ये हमारा प्रोसेस जारी होता रहेगा तब तक कि हमारा ये स्टेप कंप्लीट ना हो जाए। यहाँ पे सिंगल थ्रेड लेंगे और फिर इस थ्रेड को नीचे छोड़कर इससे हम सुई को बाहर निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे जो टाँका लगा हुआ होता है इस थ्रेड को अपने सुई में से निकालेंगे। यहाँ पे सिंगल थ्रेड लेंगे इस तरीके से और ये वाला लेंगे, ये मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा बना लिए हैं ताकि आपके समझ अच्छी तरीके से आ जाए, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। और यहाँ पे सिंगल थ्रेड लेंगे इसके बाद यहाँ पे और फिर यहाँ नीचे की तरफ एक थ्रेड होगा, ये देखें, अगर गौर करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। और यहाँ पे सिंगल थ्रेड लेंगे और फिर इस थ्रेड को मैंने कहा कि छोड़ के यहाँ पे हम निकालेंगे और फिर यहाँ और फिर यहाँ पे यहाँ से फिर यहाँ पे निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, ये देखें इस तरीके से और फिर यहाँ एक टाँका होगा जो थ्रेड होगा इसके ऊपर हम टाँका लगाएंगे। अभी क्या हो गया, अभी हमारा तीसरा जो स्टेप है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चौथा स्टेप, इसके बाद हमारा ये जो कांटों का ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जब हमारा धागा निकल चुका है यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल थ्रेड होगा तो इसमें हम अपने धागे को निकालेंगे। फिर इसके बाद ये देखें यहाँ पे एक टाँका लगा हुआ होता है इसमें से हम निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल थ्रेड होगा इसके अंदर से हम निकालेंगे।
इसके बाद ये ऊपर वाला जो टांका होगा यहाँ पे हम निकालेंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से हम एक सिंगल थ्रेड लेंगे और ये निकालेंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर ये जो अभी बना हुआ है इसके अंदर यहाँ पे एक छोर छुपा हुआ होता है जैसे हम बलूची में दोस्त कहते हैं। तो अभी हमें ये दोस्त पकड़ना है यानी कि छोर। तो ये देखिए यहाँ इस धागे के नीचे छुपा हुआ होता है, तो इसे हम अपने सुई में से निकाल के इस तरीके से डाल के इस तरीके से निकालेंगे। अभी क्या करेंगे इसके बाद जो ये है नीचे वाला, यहाँ पे देखें एक धागा होगा इसके अंदर, फिर दूसरा और यहाँ पे एक तीसरा। तो जो लास्ट वाला हमारा धागा होगा इस सिर्फ और सिर्फ सिंगल धागे में हम अपने सुई को इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद इस तरीके से हम इसे निकालेंगे। इसके बाद ये धागा और ये धागा हम छोड़ के यहाँ पे जो धागा होगा इसमें हम निकालेंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे एक टांका लगा हुआ होता है और इस टांके में से हम निकालेंगे इस तरीके से। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। फिर यहाँ से ये देखें एक धागा ये हुआ और एक ये, इसे छोड़ के हम इसमें अपना धागा निकालेंगे, अपना सुई सिंगल धागा यानी कि लेंगे यहाँ से। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो होता है टांका लगा हुआ होता है, इस टांके में हम सुई को निकालेंगे और इसके बाद यहाँ से पीर बन जाएगा। ये देखें एक धागा ये हुआ और एक ये, यहाँ से हम सिर्फ ये वाला सिंगल धागा लेंगे और इस तरीके से निकालेंगे इस यहाँ। और यहाँ पे ये जो टांका हुआ होता है इसमें से निकालेंगे। अब फिर ये देखें फिर से बन गया एक टांका और ये हो गया एक टांका। तो इसमें से हम ये वाला सिंगल टांका लेंगे और इस तरीके से निकालेंगे। ये देखें अभी ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अभी क्या करना बाकी है, अभी जो दोस्त था हमारा चोर था जो इसके पीछे छुपा हुआ होता है, हम इसे सुई के मदद से ऐसे बाहर निकालेंगे। ये देखें आसानी से निकल जाता है और इसे हम पकड़ लेंगे यानी कि हमने चोर को पकड़ लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम सिंगल धागा लेंगे इस तरीके से और फिर यहाँ पे फिर एक चोर छुपा हुआ होता है और हम इस चोर को भी इस तरीके से बाहर निकाल के पकड़ लेंगे। ये पकड़ लिया। अभी क्या होगा, अभी हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अभी इसी ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमारा ये कांटों कंप्लीटली तैयार ना हो जाए। यहाँ से धागा हमने ले लिया और यहाँ पे एक धागा होता है, फिर हम ये निकालेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर एक धागा छुपा हुआ होता है जिसे हमने छोर का नाम दिया हुआ है जो इसके अंदर है, इसे हम निकालेंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ फिर से सिंगल धागा होगा, इसे हम ले लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ से अपने सुई को निकाल के और अभी ये जो टांके होते हैं इनमें से निकालते जाएंगे अपने सुई को और ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए सिंगल धागे यहाँ टांके में अटैच कर लेंगे और यहाँ से सिंगल धागा लेते जाएंगे। तो इस तरीके से होगा और यहाँ से हम चोर को पकड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल धागा लेंगे फिर और इसके अंदर फिर से एक चोर होगा और फिर इस चोर को पकड़ लेंगे और यहाँ से फिर एक सिंगल धागा लेंगे। इसके बाद इस टांके में से निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे एक सिंगल धागा लेंगे। इसके बाद इसके अंदर एक चोर छुपा हुआ होता है, फिर से उस चोर को पकड़ेंगे और फिर यहाँ से सिंगल धागा लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम निकालेंगे और ये जो टांके बने हुए होते हैं इन टांकों में से निकाल के और यहाँ से सिंगल थ्रेड लेते हुए हम इसे बना लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल बन जाएगा।
उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। इस तरीके से बन जाता है। अब ये देखे, ये छोर को भी पकड़ना होगा ना। अभी हमने पकड़ लिया छोर, अभी यहाँ से एक सिंगल धागा लेंगे और यहाँ पे भी एक छोर है, इसे भी पकड़ लेंगे। अभी इसी तरीके से ये भी बन जाएगा। अभी ये देखें, हमारे कांटों बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें यहाँ से इसे सुई को नीचे की तरफ से निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखें, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से हमारा ये कांटक बनता है, जिसे हम पक्का कांटक कहते हैं, यानी कि कच्चा नहीं है, बिल्कुल पक्का कांटक है। जो पहले हमने बनाए थे, हमने भी सिखाया था, कच्चा भी सिखाया था और पक्का भी सिखाया था। तो अभी हम ये पक्का वाला सिखा दिया। उम्मीद है कि पसंद आ जाएगी और अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।